हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको टेलेंट्री के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। कैसे आपको रेवेनेंट मिलेगा, बोनसील्ड मिलेगा, या आप स्नेयर कर सकते हैं अपोनेंट को, सब कुछ इस टेलेंट्री में मैं बात करूँगा इस बारे में। तो चलते हैं सीधे टेलेंट्री की ओर। तो यहाँ पे ये ऑफेंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे ये तीन टैलेंट्स हैं, तो इन तीनों में से किसी भी एक को आपको सेलेक्ट करना है। इसको हमें मैक्स आउट करना नहीं है, एक पॉइंट देना है बस। तो मैंने यहाँ 1% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट को दिया है वो एक टैलेंट्री। उसके बाद मैंने ऐड करके 5 टैलेंट्री ऐड किए हैं। एंड उसके बाद सेकंड है इंक्रीज कॉम्बो एंडर्स चांस बाय 10%। तो कभी कभी होता है कि आप बेसिक अटैक करते हैं लेकिन कॉम्बो एंडर्स नहीं होता, तो इसके थ्रू अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे ना तो कॉम्बो एंडर्स हर बार होगा और इसको आप मैक्सिमम 30% तक कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, क्लिक हो जाए। हाँ, स्टन एंड फ्रोजन अपोनेंट्स टेक 50% मोर डैमेज। और यही वो टैलेंट है गाइस जिसके कारण लुइकांग बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है स्टन करने के कारण। उसके बाद ये गैम्बलर, तो ये जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं 11% स्पेशल अटैक 3 एंड एक्सरे फेटल ब्लो अटैक डैमेज बूस्ट। आप समझ गए होंगे एक्सरे का डैमेज बढ़ जाता है। ये वो टैलेंट्री है जो आपको मैक्स आउट करनी है गाइस। लिंक हुए टोरेज, ठीक है कुछ भी है, 22% क्रिटिकल ही डैमेज बूस्ट। उसके बाद है 3% बेसिक अटैक डैमेज बूस्ट अगेंस्ट एनिमीज अफेक्टेड बाय फायर पॉइजन ब्लीड डॉट। तो अगर अपोनेंट आपका ब्लीड पॉइजन फायर से अफेक्टेड, हाँ अफेक्ट है ऑलरेडी, तो 3% इंक्रीज हो जाएगा डैमेज। मतलब इसको अगर आप मैक्स आउट कर देंगे तो 15% इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, सॉरी ये देख लिए थे, 10% स्पेशल अटैक 1 डैमेज बूस्ट। अगर आप जॉनी केज को यूज़ करते हैं तो आप इसको मैक्स आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए ब्लैक ड्रैगन ट्रेनिंग की तरफ, क्योंकि ये 17% आपको क्रिटिकल हिट चांस देता है। अब क्रिटिकल हिट चांस से होता क्या ना कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हिट करते हैं और जितना ज़्यादा क्रिटिकल हिट चांस इंक्रीज होगा उतना अच्छा है आपके लिए। अब उसके बाद देखते हैं, ये सेम है वही फायर पॉइजन ब्लीड डैमेज बूस्ट मिलता है स्पेशल अटैक में। उसके बाद 26% स्पेशल अटैक 2 डैमेज बूस्ट। ये हम यूज़ करते हैं जिसके कारण मेरे को केसी केज हो गया और लुइकांग हो गया, इनके स्पेशल 2 में डैमेज बूस्ट मिलता है। कल ही मुझे कमेंट आया जिसमें एक बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई आप डैमेज हैक कर रहे हो केसी केज का, क्योंकि केसी केज का स्पेशल 2 इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता। तो गाइज मैं आपको अपने इक्विपमेंट इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं एपिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ केसी केज के ऊपर और इसलिए ज़्यादा डैमेज होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं क्रिटिकल हिट गेन 2% मोर पावर अपॉन इम्पैक्ट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये भी सेम है वही फायर पॉइजन ब्लीड डैमेज बूस्ट मिलता है। उसके बाद देखते हैं 3% चांस टू डिसेबल ऑल एनिमीज स्पेशल अटैक एंड एक्सरे फेटल ब्लो अटैक बराबर फालतू है, बिगनर्स के लिए कोई यूज नहीं है इसका। 20% चांस कॉम्बोइंडर्स डील 20% डैमेज टू ऑल टारगेट्स। तो जब आप कॉम्बोइंडर्स करेंगे ना तो 22% चांस है कि पूरा एंटायर टीम के ऊपर डैमेज होगा कॉम्बोइंडर का। उसके बाद है 10% अनब्लॉकेबल अटैक डैमेज बूस्ट, अगेन आप मतलब बिगनर्स के लिए कोई यूज़ नहीं है इसका। ब्रूटल एंडिंग, देखो यार ये टैलेंट सिर्फ उसी के लिए यूज़फुल है जिसके पास ब्रूटैलिटी गियर है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसका यूज़ बता दे रहा हूँ। अगर आपका अपोनेंट 25% हेल्थ से कम हुआ उसका हेल्थ, तो 40% चांस है कि एक स्पेशल कॉम्बो एंडर्स आप परफॉर्म करेंगे जिसमें ब्रूटैलिटी कर किया जा सकता है। डेथ मार्क टेक्निक, डेथ मार्क टेक्निक के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कॉम्बो एंडर्स कर रहे हैं तो अगर इसको आप मैक्स आउट कर देंगे तो 25% चांस हो जाएगा। तो कॉम्बो एंडर्स के अंदर अगर डेथ मार्क लग जाता है तो कोई भी एनिमी जो रेजोरेक्ट हो सकता है वो रेजोरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ रेजोरेक्शन को कैंसिल कर देता है डेथ मार्क, लाइक क्वांची हो गया और जेसन हो गया, टर्मिनेटर हो गया, ये लोग रिवाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपने इनको डेथ मार्क डालने के बाद इनको मारा तो। और डिफेंस के अंदर देख लेते हैं, तो मैंने 20% रेसिस्टेंस टू ऑल डिवॉक किया हुआ है। उसके बाद ये क्या है, टेक 4% लेस बेसिक अटैक डैमेज, फिर भी ज़्यादा यूजफुल नहीं है। 5% मैक्स हेल्थ बूस्ट, अगर इसको आप मैक्स आउट कर देंगे तो 25% हो जाएगा, ये यूजफुल है, आप चाहे तो इसकी मतलब इसको मैक्स आउट कर सकते हैं। उसके बाद 4% अपोनेंट अनब्लॉकेबल अटैक चांस रिडक्शन, अनब्लॉकेबल करने का जो चांसेस है उसको रिड्यूस कर देता है, बैक हो जाए। हाँ, उसके बाद है 4% अपोनेंट क्रिटिकल हिट चांस रिडक्शन एंड उसके बाद है 4%
लीथल ब्लो इम्यूनिटी सेम है दोनों, दोनों मतलब वही करता है, क्रिटिकल हिट चांस घटाता है और लीथल ब्लो का चांस घटाता है। जिनको नहीं पता लीथल ब्लो क्या होता है, लीथल ब्लो के थ्रू क्या होता है कि अटैक है ना 300% इंक्रीज हो जाता है, तो ये उसको 4% डिक्रीज कर देता है। तो उतना कुछ खास है नहीं, इन तीनों में से आपको किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद देख लेते हैं। ब्लॉक्ड बेसिक अटैक डील 10% लेस डैमेज, ब्लॉक करने के बाद 10% लेस डैमेज मिलेगा बेसिक अटैक में आपको। ब्लॉक स्पेशल अटैक्स डील 12% लेस डैमेज, स्पेशल अटैक 12% लेस डैमेज करेगा। 4% चांस रिफ्लेक्ट 100% डैमेज फ्रॉम अनब्लॉकेबल अटैक्स, चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। 4% शील्ड ब्रेक रेसिस्टेंस, अब जब शील्ड ब्रेक होता है ना तो उससे रेसिस्टेंस मिलता है। अगर आपको नहीं पता शील्ड ब्रेक कैसे होता है तो आपको आगे पता चल जाएगा। -20% पावर ड्रेन फ्रॉम योर कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल आपके अपोनेंट में जॉनी केज और वो आपका पावर ड्रेन कर रहा है, तो अगर 100% पावर ड्रेन करेगा ना तो उससे 20% घट जाएगा, मतलब -20% पावर ड्रेन फ्रॉम योर कैरेक्टर, 20% कम पावर ड्रेन होगा। ओह सॉरी ये देख लिया। इफ यू टेक क्रिटिकल डैमेज गेन 10% ऑफ डेट डैमेज एज पावर, ये भी अच्छा है, अगर आप क्रिटिकल डैमेज लेंगे तो उसका 10% आपको पावर मिलेगा। 4% स्टन एंड पावर ड्रेन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब पता है गाइस आपको क्या होता है, और अगर आप इसको मैक्स आउट कर देंगे तो 20% चांस हो जाएगा स्टन और पावर ड्रेन से रेसिस्टेंस का। इनकमिंग डॉट्स एंड फ्रोस्टबाइट हैव 30% डिक्रीज ड्यूरेशन, फ्रोस्टबाइट और जो डॉट इफेक्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि MK11 स्कॉर्पियन आपके अपोनेंट में है, या कोई भी अपोनेंट जो आपको बैकग्राउंड में डैमेज दे रहा है ब्लीड का, पॉइजन का या फायर का, तो ये क्या करता है 30% डिक्रीज कर देता है उसका ड्यूरेशन। अगर आप इसको मैक्स आउट कर देंगे तो करीब 40% चांस हो जाएंगे घटने के। फॉर एग्जांपल अगर 10 सेकंड तक आपको फायर डैमेज होगा तो ये 10 सेकंड को 3 सेकंड घटा के 7 सेकंड तक आपको डैमेज देगा। हाँ ये तो हो गया। उसके बाद है 10% चांस टू रिंस डॉट ऑन स्पेशल अटैक यूज, ये भी अगेन यूजलेस है बिगिनर्स के लिए। रेवेनेंट ये वो टैलेंट्री जिसके लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि इस टैलेंट्री के थ्रू ना आप बहुत बार मरते मरते बचेंगे। मुझे पता है मैं इस टैलेंट्री को यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप एक न्यू प्लेयर है तो आपको इस टैलेंट्री के साथ जाना चाहिए। होता क्या है कि जब आपका 1% हेल्थ रहेगा ना तो 30% चांस है, मतलब ये अभी 10% दिखा रहा है, अगर आप इसको मैक्स आउट कर देंगे तो 30% चांस हो जाएगा। तो 30% चांस है कि आपको 5 सेकंड के लिए एक ऐसी शील्ड मिलेगी जो इनविंसिबल होगी, आप उस शील्ड के अंदर मतलब आपको कोई मार नहीं सकता, आप सबको मार सकते हैं, तो बड़ा कमाल का है ये। और इसके नीचे ये दोनों यूजलेस हैं, रेवेनेंट इन सबसे बेस्ट है, तो आप रेवेनेंट को लेना। उसके बाद है बोन शील्ड भी सेम है, वही काम करता है, लेकिन ये स्पेशल अटैक्स के साथ ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपोनेंट आपके ऊपर स्पेशल अटैक करेगा ना तो 25% चांस है, मतलब अगर आप इसको मैक्स आउट कर देंगे तो 25% चांस होता है कि एक बोन शील्ड मिलती है। ये रेवेनेंट जैसी ही है, बट इसमें होता है क्या कि अपोनेंट आपको मार सकता है, आपका हेल्थ कम नहीं होगा बट आपको हिट लगेंगे अपोनेंट के थ्रू, तो ये भी अच्छा टैलेंट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगेन ये भी यूजलेस है, इसके मतलब इसको भी मैक्स आउट मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं सपोर्ट की ओर, तो सपोर्ट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं मैंने स्टर्न नाउ हैज़ 30% चांस टू अप्लाई शील्ड ब्रेक टू द इंटायर एनिमी टीम, और इस टैलेंट्री को मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए जब भी लुविकांग किसी भी अपोनेंट को स्टन करता है तो शील्ड ब्रेक हो जाता है। शील्ड ब्रेक होने से क्या होता है कि शील्ड ब्रेक होने से अपोनेंट 80% या 100% एक्स्ट्रा डैमेज लेता है, तो काफ़ी यूजफुल है ये, अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कैरेक्टर है जो स्टन करता है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कॉर्पियन यूज़ करते हैं तो आप इस टैलेंट्री को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 10% रिकवरी बूस्ट, अगेन ज़्यादा कोई खास काम नहीं है इसका। 2% पावर जनरेशन बूस्ट फॉर इनएक्टिव कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो बैकग्राउंड में है ना, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्टिव कैरेक्टर फाइट कर रहा है और दो कैरेक्टर पीछे बैकग्राउंड में है, तो उनका मतलब पावर जनरेशन बूस्ट मिलता है उनको, तो इसको भी लिया जा सकता है, आपकी चॉइस। सॉरी फिर उसके बाद टीम वर्क से होता है क्या ना, जब भी कोई स्पेशल अटैक या एक्सरे होता है तो उसका जो 10% होता है ना वो बाकी टीममेट्स में डिवाइड हो जाता है, हाँ रिफंडेड टू ईच इनएक्टिव टीममेट्स, तो यही वो टीम मतलब टैलेंट्री है जिसके कारण मेरे बाकी जो कैरेक्टर्स है उसका एक्सरे बहुत जल्दी खुल जाता है, तो आप चाहे तो इसको मैक्स आउट कर सकते हैं।
टीममेट्स हु टैग इन गेन 4% इंक्रीज पावर जनरेशन फॉर 10 सेकेंड। ये भी टीम वर्क जैसा ही है, लेकिन मतलब टीम वर्क से थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इसको मैक्स आउट कर दोगे ना तो करीब 10 या 15% चांस होता है, और जो एक्टिव अपोनेंट होता है ना सिर्फ उसी का पावर जनरेशन इंक्रीज होता है, और सिर्फ 10 सेकेंड के लिए, तो उतना ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता नहीं है। तो आप चाहे तो टीम वर्क के साथ जा सकते हैं, चाहे तो इस बैकअप टैक्टिक्स के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आता है और अनब्लॉकेबल अटैक्स जनरेट 1% मोर पावर, अगेन यूजलेस है बिगिनर्स के लिए। इसके बाद है योर स्पेशल अटैक 3 और एक्स रे फैटल ब्लो अटैक कॉस्ट 10% लेस पावर। आप समझ गए होंगे जो एक्स रे आप करते हैं उसका पावर कम लगेगा, अगर आप इसको मैक्स आउट कर देंगे तो शायद 30% लेस पावर यूज होगा एक्स रे में। 10% लाइफ ड्रेन एंड रीजन बूस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये एक्चुअल में सर्वाइवल के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, बाकी अदर बैटल्स टावर बैटल और फैक्शन वार के लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये वाला। फोकस 4% डैमेज बूस्ट अगेंस्ट रेजोरेक्टेड एनिमीज, इसका भी कुछ खास यूज़ है नहीं तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है योर स्पेशल अटैक 1 कॉस्ट 3% लेस पावर, अगेन अगर आप जॉनी केज यूज़ करते हैं या स्कॉर्पियन का स्पेशल 1 यूज़ करते हैं तो आप इस टैलेंट्री को मैक्स आउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। एवरी 750 पॉइंट्स ऑफ टफनेस रिड्यूस क्रिटिकल डैमेज बाय 0.2%, अगेन ये उतना यूजफुल नहीं है न्यू प्लेयर्स के लिए। अनब्रेकेबल व्हील्स 20% क्रिपल रेसिस्टेंस, यहाँ 20% और वहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस लिया था 20% रेसिस्टेंट टू ऑल डिबव, जिसके कारण मुझे करीब 40% रेसिस्टेंस मिल जाता है क्रिपल से। तो यही रीज़न है कि बहुत बार हम बॉस बैटल में क्रिपल हम नहीं होते, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला हुआ है। योर स्पेशल अटैक टू कॉस्ट 4% लेस पावर, अगर आप स्पेशल अटैक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप इस टैलेंट्री को यूज़ कर सकते हैं। वीक पॉइंट अटैक, आप में से बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि वीक मतलब स्नेयर कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास कोई पावर ड्रेनर है जैसे जॉनी केज है तो 40% चांस होगा पावर ड्रेन के थ्रू कि स्नेयर हो सकता है। मान लो कि आपने 10 टाइम्स स्पेशल अटैक यूज़ किया पावर मतलब स्पेशल 1 एंड 4 टाइम्स या 5 टाइम्स एक्टिव हो सकता है, काम करेगा शायद। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो स्नेयर करता है तो आप इसे मैक्स आउट करके जॉनी केज को यूज़ कर सकते हैं। स्लिपरी 1 4% रेसिस्टेंस टू स्नेयर रेसिस्टेंस, तो अगेन ये भी यूजलेस है न्यू प्लेयर्स के लिए, उतना अच्छा नहीं है। 3% चांस फॉर योर स्पेशल अटैक 1 टू कॉस्ट 9 पावर, अगर इसको मैक्स आउट कर लिया तो आई थिंक 15% चांस होगा कि आपका स्पेशल अटैक 1 में कोई पावर यूज नहीं होगा, सॉरी 2% पावर स्पेंड ऑन स्पेशल अटैक एंड एक्स रे फैटल ब्लो अटैक इज रिफंडेड टू योर एक्टिव करेक्टर, अगेन आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है। बात हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, आपको शायद आपके पास उतना सारा इतने सारे टैलेंट पॉइंट नहीं होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना राइट साइड में इनको बोलते हैं टैलेंट पॉइंट्स, और अगर ये आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब भी आप अनलॉक करेंगे ना एक मैं आपको दिखा दूंगा एंड में, वैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाँ सॉरी ये हो गया था, उसके बाद ये है 2% चांस ऑफ योर स्पेशल अटैक टू टू कॉस्ट 9 पावर। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं लुइकांग को या केसी केज के स्पेशल 2 को यूज़ करता हूँ तो मेरा पावर बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, तो यही रीज़न है क्योंकि मैंने इसको इसको मैक्स आउट नहीं किया। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है आप ऐड करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है यार इसको लोडिंग होने में, अब यहाँ पर आ गया, अब मैं इसको मैक्स आउट करता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है काफ़ी स्लो है, चलो हो गया। तो 10% चांस है कि मेरा स्पेशल 2 बिल्कुल पावर लगेगा नहीं, चांस कम है लेकिन कभी कभी लगातार एक्टिव हो जाता है, तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद ये देख लेते हैं 10% चांस टू रिफ्लेक्ट 100% स्पेशल अटैक ऑन डैमेज वाइल्ड ब्लॉकिंग, काफ़ी अच्छा है लेकिन बहुत ही दूर है, इतनी दूर तक आप नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा टैलेंट पॉइंट्स होंगे नहीं। एंड ये भी वही सेम है स्पेशल अटैक 2 के साथ रिफ्लेक्ट कर देगा अगर मैक्स आउट कर देंगे तो 15% चांस होगा। देखिए अगर आप न्यू प्लेयर है तो आपको सबसे पहले तो इनको मैक्स आउट करना चाहिए, क्रिटिकल हिट डैमेज और
अरे बैक हो जाए, हाँ, एंड क्रिटिकल हिट चांस, इनको मैक्स आउट कीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप रेवेनेंट को मैक्स आउट कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप सर्वाइवल मोड खेलते हैं या फैक्शन वार खेलते हैं या टावर बैटल करते हैं, किसी भी मोड के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपको शायद यूज़ करना चाहिए क्योंकि अभी आपके कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। तो देखो गाइज, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारी बातें नहीं बताई, बहुत सारे टैलेंट मिस कर दिए, बट फिर भी ये वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट की हो गई। एंड यहाँ स्टोर में आप देख सकते हैं कि एक पैक आया हुआ है जो कि अकॉर्डिंग टू मी गार्बेज पैक है यार, इसमें अपने सोल स्पेंड मत कीजिए, ट्रस्ट मी, इसके अंदर चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ 9% चांस है, तो मेरे हिसाब से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस पैक को ओपन मत करना गाइस, 4 जुलाई को एक सेल आ रहा है, बहुत ही अच्छा सेल आएगा, या हो सकता है कि थ्री डेज बाद तो सेल नहीं आने वाला, उसको भूल जाइए। तो इस पैक को ओपन मत कीजिए गाइस, ये सिर्फ डेवलपर्स की चाल होती है, वो आपको हो सकता है शुरू में एक डायमंड दे भी दे लेकिन फिर उस सारे सोल्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा सायोनारा।